नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म की कोशिश के बाद जलाई गई युवती की मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म की कोशिश के बाद जिस युवती को केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया था, उसकी सोमवार देर रात मौत हो गई है। लड़की के परिजनों ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं आते, वे अपनी बेटी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के अहियापुर में कुछ दरिंदों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। इसमें नाकाम होने पर उन्होंने केरोसिन तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था। निर्भया केस और उन्नाव केस में आज अक्षय और सेंगर को लेकर कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। निर्भया केस के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा का भी आज ऐलान किया जाएगा। इस बीच निर्भया की मां ने कहा, हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कुलदीप सेंगर और निर्भया के 4 दोषियों को मृत्युदंड मिलता है तो समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। जामिया हिंसा में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि इसमें कोई भी छात्र नहीं है। दिल्ली ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया घटना के सिलसिले में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि रविवार को जामिया के पास उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दौरान बसों को आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जामिया परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की थी। और दिल्ली NCR में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो के पार हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सोमवार को फिर प्याज के दाम में उछाल आया है। दिल्ली में प्याज का थोक भाव 95 रुपए प्रति किलो से ऊपर चला गया है। वहीं दिल्ली NCR के बाजारों में प्याज का खुदरा भाव फिर बढ़कर 125 रुपए प्रति किलो तक चला गया है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में प्याज और महंगा हो सकता है।